गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी मुस्कान। मैं आज आपके साथ ये हेयर स्पा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आप पार्लर में जाते हो हेयर स्पा के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, 10,000, 1,500 ऐसे। पार्लर पे डिपेंड करता है आप जिस पार्लर में जाओ। तो गाइज ये आपको नहीं करने जरूरत है, आप अपना हेयर स्पा घर पे ही कर सकते हो बस ओनली 10 रुपीज में। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो आपको जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज करने, और हाँ आपको क्रीम लेनी पड़ती है हेयर स्पा के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, 600, 700, 800 ऐसे। अगर आप मेबलिन वगैरह के लोगे, लॉरियल पैरिस के लोगे तो वो 800 तक आपको पड़ती है। आप नेट पर भी चेक कर सकते हो, बट मैं वो घर पर ही आपको मतलब उसी की तरह बना के दिखाऊंगी, उसी की तरह वर्क करेगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा फिजी टाइप्स लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बालों की जो टैंगल्स हैं उसको रिमूव करूंगी, अच्छे से अपने बाल सुलझा लूंगी। अगर आपके बाल लेंदी हैं तो आप ये ऐसा इस टाइप का कोम यूज़ करिए जो आपके बाल टूटे भी ना और अच्छे से ये पूरे आपके सुलझ जाए। तो मैं अच्छे से अपने बालों को सुलझा लूंगी। तो गाइज मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने अपने बालों में जो टैंगल्स थे मैंने उसको रिमूव कर लिया है। एंड सेकेंड स्टेप आपका ये है कि आपको अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने स्कैल्प पे मसाज करना है 2 या 3 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट्स के लिए, और ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है। बिल्कुल स्मूदली आपको ऐसे ऐसे स्मूदली आपको अपने स्कैल्प पे मसाज करना है। मैं ये पैराशूट का ऑयल यूज कर रही हूँ मसाज के लिए। लाइक दिस बहुत अपने स्कैल्प पे ही मसाज करिए आप, और आपको ज्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है, बिल्कुल स्मूदली करना है लाइक दिस। पर ये स्कैल्प पे ही करना है आपको। कोकोनट ऑयल आप अपनी सिर्फ स्कैल्प पे ही अप्लाई कीजिए, आपको अपनी बालों की लेंथ पर अप्लाई नहीं करना है। तो गाइस हम लोग चलते हैं अपनी क्रीम बनाने। तो यहाँ पर मैं क्रीम के लिए ये पैंटीन का कंडीशनर ले रही हूँ, और यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल लिया है और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर ये इसमें डाल दूंगी एक बाउल में। ये आप 2 भी ले सकते हैं अगर आपकी लेंथ ज्यादा है बालों की, मेरे बालों में तो ये आ जाएगा, इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो आप बाहर जाते हैं लेने क्रीम वगैरह तो आपको बहुत ही ज्यादा वो महंगी मिलती है, तो आप कोई भी ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो गाइस आप घर पे ही बनाइए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। और मैं यहाँ पर 2 ड्रॉप्स ये डाल रही हूँ पैराशूट का ऑयल, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और हाँ मैंने इसमें दही भी मिक्स किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रीम वैसे ही लग रही है जैसी आपको मिलती है मार्केट में। ये देखिए ये क्रीम आपको मार्केट में मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है। सो गाइस चलिए हम लोग अपने हेयर्स पे ये लगा लेते हैं। मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ही लगाऊंगी।
और ये आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, बस आपको ये अपनी लेंथ पे लगाना है, क्योंकि हम लोग कोकोनट ऑयल से पहले ही ऊपर मसाज कर चुके हैं तो हम लोग को नहीं लगाना है उधर। मेरे इधर के बाल तो हो गए, मैं इसको पीछे कर लेती हूँ एंड मैं यहाँ पर जल्दी से लगा लूँ। तो मैंने ये अच्छे से अप्लाई कर ली है, ये आप करके देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करेगी। ये जो DLY क्रीम बनाई थी वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, उसको आप जरूर यूज कीजिए। एंड मैंने यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपका ये टॉवल ली है और इसको मैंने थोड़ी वेट कर ली है गर्म पानी से, और इसको आप अपने बालों पे अच्छे से रैप कर लीजिए। सो गाइज, मैंने यहाँ पर ये अपनी टॉवल अच्छे से रैप कर ली है और इसको आपको 1 आवर के लिए छोड़ देना है। सो गाइज, लास्ट स्टेप, मैंने यहाँ पर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है एंड मैं यहाँ पर लेवॉन सीरम अप्लाई करने जा रही हूँ। ये आपके बालों को अलग से ही शाइन देगा। सो मैंने यहाँ पे सीरम भी अप्लाई कर लिया है, अपने बालों को अच्छे से मैं सुलझा लूंगी। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मेरे बाल पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, कितने ज्यादा स्मूथ और कितने ज्यादा शाइनी लग रहे हैं। तो आप ये स्पा घर पे ही कर सकते हो, बहुत ही इजी था आपके लिए, ज्यादा आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज में आपका सारा सामान आ जाएगा। तो आप हेयर स्पा कर सकते हो घर पे, तो ये आप देख सकते हो कितने ज्यादा स्मूथ और कितने ज्यादा स्ट्रेट, जैसे कि आप हेयर स्पा करा के आते हो वैसे ही बाल आपको लग रहे होंगे मेरे। तो गाइज, अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड दैट्स ऑल टुडेज वीडियो। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाई मी व्हेनेवर आई अपलोडेड अ वीडियो। सो गाइज, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट एंड रिव्यूज में आपने ये यूज़ किया कि नहीं, और मैंने ये DLY फेस पैक वो DLY क्रीम बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी और मैंने ये तो सोच समझ के बस ये कर लिया एंड जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना अच्छा आया है। तो आप ये ज़रूर यूज़ करिए और हफ्ते में आप दो बार आप ये यूज़ करिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप एक बार यूज़ करोगे तो आपको तो रिजल्ट मिल ही जाएगा, बट आप एक हफ्ते में 2 बार यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल एंड बाय बाय।